वज़ीर-ए-आला सिंध से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात हुई, जिसमें कोरोना के फैलाव को रोकने के इकदामात और तजावीज पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि अगर लोग गैर जरूरी घरों से ना निकलते तो कराची में इतने कोरोना केसेस ना होते। सज्जाद की सरबराही में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के वफ्द ने वज़ीर-ए-आला सिंध से मुलाकात की, जिसमें कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के हवाले से हुकूमती इकदामात और तजावीज पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान वज़ीर-ए-आला हाउस के मुताबिक इजलास में पीएमए के वफ्द ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए वज़ीर-ए-आला सिंध को मुख्तलिफ तजावीज दी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने लॉकडाउन को मजीद सख्त करने की तजवीज पेश करते हुए कहा कि लॉकडाउन 15 दिन पहले करना चाहिए था। लॉकडाउन का मकसद इस बीमारी को कम करना है। कोरोना वायरस के मरीजों को बिल्कुल अलग रखा जाए। वज़ीर-ए-आला सिंध ने पीएमए के वक्त को बताया कि हमारी अभी तक की हिकमत अमली कामयाब गई है। ईरान से आने वालों को सखर में रखा, 280 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया। हमने सबको आइसोलेशन में रखा, वायरस फैलने नहीं दिया। मुझ पर काफी तनकीद भी हो रही है, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर अपने काम पर तवज्जो दे रहा हूँ। लोकल ट्रांसमिशन से वायरस ज्यादा फैला है। हमारे लोग सामाजिक दूरी इख्तियार नहीं कर रहे। अगर आवाम गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलते तो कराची में इतने केसेस ना होते। हमें कौम को कोरोना की वबा से निजात दिलाने के लिए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और दीगर माहिरीन की रहनुमाई चाहिए।